तो आप इतने पैसे मिल करके खुद के बारे में ना सोच करके किसी दूसरों को दे दिए, इस पैसे से आपको कुछ करना चाहिए था ना। हम बहुत पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन जब हम पढ़ के असफल रहे तो हम भीख मांगे, और हम जब बाइबल पढ़े तो हमने उसमें हम ये सीखे कि बाइबल में लिखे है, ऐसे लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। सबको जय मसीह की। दोस्तों जिस प्रकार हम इस स्क्रिप्ट में देखते हैं कि एक भिखारी जो खुद दो तीन दिन से भूखा रहता है, लेकिन फिर भी जब वो देखता है कि कोई दूसरा भिखारी भूख से तड़प रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद ना खा करके वो क्या करता है, वो किसी और को देता है। मेरे प्रियो, क्या आपने देखा उसके अंदर वो दूसरों के प्रति वो प्रेम, जो प्रेम उसने दर्शाया है, जो यीशु मसीह को उसने दर्शाया है, बताया है। जिस प्रकार यीशु मसीह का वचन कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, उसी प्रकार मेरे प्रियो हम इस भिखारी से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर का प्रेम हम किसी और के ऊपर प्रकट कर सकते हैं और उसके वचन को हम बता सकते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी ऐसा कर जाते हैं कि सिर्फ अपना सेल्फिश होकर के सिर्फ अपने लिए हम करते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, इस भिखारी के जीवन से कुछ सीखिए। जैसा कि उसने खुद को भूखा रख करके किसी और के लिए सोचा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने बारे में ना सोचकर सूली पर चढ़ा और हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, उसी प्रकार मेरे प्रियो आज हम भी ये निर्णय लें कि हम भी यीशु मसीह का प्रेम लोगों पर प्रकट करें, उसका सुसमाचार हम लोगों तक बताएं। मेरी ओर से सब हमको जय मसीह की।